श्री राम दोस्तों, इस वीडियो में हम सर्वेइंग आरएस खुर्मी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट फाइव है। अगर आप पार्ट वन से फोर तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए प्रिज्म स्क्वायर इज, ऑप्शन ए है 30 डिग्री, बी है 45 डिग्री, सी है 60 डिग्री, डी है 75 डिग्री। यानी कि प्रिज्म स्क्वायर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल होता है वह कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है, यानी कि 45 डिग्री होता है प्रिज्म स्क्वायर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए प्रिज्मेटिक कंपास द जीरो ऑफ ग्रेजुएटेड रिंग इज लोकेटेड एट, प्रिज्मेटिक कंपास में जीरो जो होता है वह रिंग के किस पार्ट में होता है, तो ऑप्शन ए है नॉर्थ एंड, बी है साउथ एंड, सी है ईस्ट एंड, डी है वेस्ट एंड। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि साउथ एंड। आप जो है हर एक क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा वह कमेंट में लिखते जाइएगा और देखिएगा कि आपका कितना करेक्ट आंसर हो रहा है। क्वेश्चन है, द थ्रू और जियोग्राफिकल मेरिडियन थ्रू द वेरियस स्टेशन, यानी कि थ्रू या जियोग्राफिकल मेरिडियन जो होता है विभिन्न स्टेशन का वह क्या होता है, तो ऑप्शन ए है आर पैरेलल, बी है कन्वर्ज टू द पोल, सी है कन्वर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, डी है कन्वर्ज फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है, थ्रू या जियोग्राफिकल मेरिडियन का वेरियस स्टेशन जो होता है एक दूसरे का पोल पे कन्वर्ज करता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन इन विच द प्लेन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट एंड नॉर्थ एंड साउथ पोल इंटरसेक्ट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, यानी कि उस लाइन को क्या बोला जाता है जो गिवन पॉइंट और पृथ्वी के जो नॉर्थ और साउथ पोल है उसको इंटरसेक्ट करता है, तो ऑप्शन ए है आर्बिट्री मेरिडियन, बी है मैग्नेटिक मेरिडियन, सी है ट्रू मेरिडियन, डी है नन ऑफ द अबव। तो उस लाइन को ट्रू मेरिडियन बोला जाता है जो दिए हुए पॉइंट और पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल को इंटरसेक्ट करता है, इसलिए यहाँ पे जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द होल सर्किल सिस्टम द बियरिंग ऑफ ए लाइन इज मेजर्ड, होल सर्किल सिस्टम में जो होता है किसी भी लाइन का बियरिंग कैसे मापा जाता है, तो ऑप्शन ए है ऑलवेज क्लॉक फ्रॉम द साउथ पॉइंट ऑफ द रिफरेंस मेरिडियन टुवर्ड द लाइन राइट लाउंड द सर्किल, यह कथन गलत है चूँकि ऑलवेज जो है क्लॉक वाइज और नॉर्थ पॉइंट से मापा जाता है, बी है क्लॉक और एंटी क्लॉक फ्रॉम ईस्ट और वेस्ट विच इज नियरर द लाइन टुवर्ड द नॉर्थ एंड साउथ, यह भी कथन गलत है। नेक्स्ट है, क्लॉक एंड एंटी क्लॉक फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ विच इज नियरर द लाइन टुवर्ड्स ईस्ट एंड वेस्ट, ये जो है क्वाड्रेंटल सिस्टम के लिए है, इसलिए तीनों ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत है, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि होल सर्किल सिस्टम में जो होता है हमेशा जो बियरिंग मापा जाता है वह क्लॉक वाइज और नॉर्थ पॉइंट से हमेशा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वाड्रेंटल सिस्टम द बियरिंग ऑफ ए लाइन इज मेजर्ड, क्वाड्रेंटल सिस्टम में जो है एक लाइन का बियरिंग कैसे मापा जाता है, तो ऑप्शन ए है ऑलवेज क्लॉक वाइज फ्रॉम द साउथ पॉइंट ऑफ द रिफरेंस मेरिडियन टुवर्ड्स द लाइन राइट राउंड द सर्किल, बी है क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज फ्रॉम द ईस्ट और वेस्ट विच इज नियरर द लाइन टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ, सी है क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ विच इज नियरर द लाइन टुवर्ड्स ईस्ट एंड वेस्ट, यही कथन जो है यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि क्वाड्रेंटल सिस्टम में क्या होता है कि जो हम किसी लाइन का बियरिंग मापते हैं वह नॉर्थ और साउथ पोल से क्लॉक या एंटी क्लॉक वाइज में मापते हैं, कि नॉर्थ से जो है या साउथ से जो है ईस्ट या वेस्ट में कौन नजदीक पे है उस हिसाब से जो है क्वाड्रेंटल सिस्टम में किसी भी लाइन का बियरिंग मापा जाता है, इसलिए यहाँ पे जो है ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, बियरिंग ऑब्जर्व विथ ए प्रिज्मेटिक कंपास, एक प्रिज्मेटिक कंपास से जो बियरिंग मापा जाता है वो क्या होता है, तो ऑप्शन ए होल सर्किल बियरिंग ऑफ लाइन, बी है क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ लाइन। तो प्रिज्मेटिक कंपास से हमेशा जो है होल सर्किल बियरिंग ऑफ ए लाइन को हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है
ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बियरिंग ऑब्जर्व विथ सर्वेयर्स कंपास इज, एक सर्वेयर कंपास के द्वारा जो बियरिंग मापा जाता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए है होल सर्किल बियरिंग ऑफ ए लाइन, ऑप्शन बी है क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ ए लाइन। तो सर्वेयर्स कंपास के द्वारा जो है हमेशा क्वाड्रेंटल बियरिंग को नापा जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन द टू मेरिडियन एंड ए सर्वे लाइन इज कॉल्ड। तो टू मेरिडियन और सर्वे लाइन के बीच का जो हॉरिजेंटल एंगल है उसको क्या बोला जाता है। तो ऑप्शन ए मैग्नेटिक बियरिंग, बी है एजीमुथ, यही करेक्ट है क्योंकि हॉरिजेंटल एंगल जो टू मेरिडियन और सर्वे लाइन के बीच बनता है उसको एजीमुथ बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फ्रेंड आप कितना करेक्ट कर रहे हैं वो कमेंट में लिखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन द टू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज। तो उस हॉरिजेंटल एंगल को क्या बोला जाता है जो टू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच बनता है। तो ऑप्शन ए है ट्रू बियरिंग, बी है डीप, सी है लोकल अट्रैक्शन, डी है मैग्नेटिक डिक्लारेशन। तो उस हॉरिजेंटल एंगल जो टू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच बनता है उसको मैग्नेटिक डिक्लारेशन बोला जाता है, यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ द मैग्नेटिक नीडल ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास बी इंक्लाइन डाउनवर्ड टुवर्ड्स द पोल, द इंक्लिनेशन ऑफ नीडल विथ हॉरिजेंटल इज नोन एज। यानी कि मैग्नेटिक नीडल जो होता है प्रिज्मेटिक कंपास का वह अर्थ के मैग्नेटिक प्रभाव के कारण जो है हमेशा डाउनवर्ड पोल की ओर दिखता है। तो यह जो इंक्लिनेशन है नीडल का हॉरिजेंटल के साथ उसको क्या बोला जाता है। तो ऑप्शन ए है ट्रू बियरिंग, बी है डीप, सी है लोकल अट्रैक्शन, डी है मैग्नेटिक डिक्लारेशन। तो उस एंगल को जो है उस इंक्लिनेशन को डीप बोला जाता है जो नीडल और हॉरिजेंटल के बीच जो एंगल बनता है अर्थ के मैग्नेटिक प्रभाव के कारण। नेक्स्ट है, एट इक्वेटर द अमाउंट ऑफ डीप इज, इक्वेटर पर डीप का अमाउंट क्या होता है, कितना डिग्री होता है। तो ऑप्शन ए है 0 डिग्री, बी है 45 डिग्री, सी है 60 डिग्री, डी है 90 डिग्री। तो इक्वेटर पर जो डीप का वैल्यू होता है वह हमेशा 0 डिग्री होता है, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है यहाँ पे। और पोल पे जो होता है मैग्नेटिक डीप का जो अमाउंट का वैल्यू होता है वह 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक पोल, एट द मैग्नेटिक पोल द अमाउंट ऑफ डीप इज। तो पोल पे पहले ही बतला चुके हैं कि पोल पे जो है डीप का जो वैल्यू होता है वह 90 डिग्री होता है। ऑप्शन ए है 0, बी है 45, सी है 60, डी है 90 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है क्योंकि मैग्नेटिक पोल पे जो होता है डीप का वैल्यू 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द होल सर्किल बियरिंग सिस्टम नॉर्थ 25 डिग्री 15 मिनट वेस्ट कॉरेस्पॉन्ड टू, यहाँ पे सेकेंड लिखा गया 15, इसलिए मिनट होना चाहिए। तो ये है 115 डिग्री 15 मिनट, भी है 154 डिग्री 45 मिनट, सी है 205 डिग्री 15 मिनट, डी है 334 डिग्री 45 मिनट। तो यहाँ पे जो होगा होल सर्किट बियरिंग में जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसलिए 360 डिग्री माइनस एंगल होगा, इसलिए जो है यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, इफ फोर्थ बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 30 डिग्री 15 मिनट इस बैक बियरिंग विल बी। अगर किसी भी लाइन का फोर्थ बियरिंग जो होता है 36 डिग्री 15 मिनट है तो बैक बियरिंग क्या होगा। तो ऑप्शन ए है 36 डिग्री 15 मिनट, बी है 120 डिग्री 15 मिनट, सी है 143 डिग्री 15 45 मिनट, डी है 216 डिग्री 15
मिनट। तो यहाँ पर जो होता है फोर बियरिंग बैक बियरिंग बराबर फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री होता है, तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है कि फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन इज नॉट 26 डिग्री 35 मिनट वेस्ट इफ बैक बियरिंग विल बी। फोर बियरिंग जो होता है यहाँ पे दिया हुआ है क्वाड्रेंटल सिस्टम में और बैक बियरिंग मांग रहा है, तो यहाँ पे जो है क्वाड्रेंटल सिस्टम में क्या होता है सिर्फ नॉर्थ साउथ हो जाएगा और वेस्ट जो है ईस्ट हो जाएगा और एंगल का वैल्यू वही रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में जो है नॉर्थ को साउथ और ईस्ट का वेस्ट का ईस्ट किया हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आवे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड।